साइंस सोसाइटी पंजाब उनके बहुत ही धन्यवादी हैं, क्योंकि जो रास्ता उन्होंने हमें बताया है हम लोग अब तक मिनते कर करके ही चल रहे हैं। अभी तक हम मिनते कर करके जा रहे हैं, क्योंकि जहां भी हमें पावर के गलेरे में जाना पड़ा हम लोग उनको अभी रिक्वेस्ट कर करके मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो महाराज जी ने अभी हमें संदेश दिया कि जो संघर्ष जो है ये दूसरा रूप भी ले लेगा, तो इस बात को भी गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। एक संदेश और महाराज देंगे और हम साढ़े डीसी दफ्तर मूहरे, तहसीलों के मूहरे, सारे सरकारी अदारों के मूहरे साढ़े नौजवान सवेरे 10 बजे तो लैके 5 बजे तक रोज भुख हड़ताल से साढ़े बैठे, जिसे बच्चे संत समाज भी उन्होंने नाल बैठेगा। और साढ़ा 2 तरीक न 2 अगस्त सॉरी सितंबर 2 सितंबर साढ़े नौजवान सरकारी अदारों के मूहरे अणमिथे समय से हर रोज़ उस 10 तो लैके 5 बजे तक भुख हड़ताल से बैठेंगे। और सरकार जी फिर भी 10 तो मसला हुई फिर उन्होंने मतलब आप चंगी तरह चुकावे चुका जानते हैं। गुरु रविदास महाराज के पुत्र हैं, हक लेना जानते हैं, कोई गल ये मिल जाना। जय गुरुदेव। नेताओं से मिल रहे तो अच्छी बात है कि समाज के नेताओं पर, देश के नेताओं को इस आंदोलन की वो जानकारी दे रहे हैं। लेकिन उनके कदम को और मजबूती करते हुए हम लोग ये चाहेंगे कि आज से हम लोग जो शीर्ष नेता हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, चाहे कोई भी पार्टी हो, उनसे आज से हम मुलाकात शुरू करेंगे। और मेरा आप सबसे निवेदन है तो आगे की कार्रवाई के लिए मैं बाली जी से निवेदन करूंगा, वो अपनी मंच संभालेंगे। बाली जी जो हमारे बीच में श्री जॉन मीरा सिंह संस्थापक ज्योति स्वरूप स्वामी रामाकृष्ण दास मिशन जौहरपुर दिल्ली से आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा सरदार डी एस बिंद्रा जी को, मीम भीम खालसा के जो नेशनल प्रेसिडेंट है वो संगत को संबोधन करें और हमारा मार्गदर्शन करें। सरदार डी एस बिंद्रा जी मेरा थोड़ा मैं बोलूंगा उसके साथ मेरे साथ आप बोलेंगे। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। सभी की आवाज आनी चाहिए, एक बार सभी लोग बोलेंगे एक बार एक साथ। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। मैं डी एस चंद्रा आप लोगों के बीच में आया हूँ। माननीय गुरु केसी रवि जी हमारे बीच में, अरे बैठ जाइए नीचे, सभी के गुरु हैं लेकिन मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। शुरू से मैंने उन्हीं से सब कुछ सीखा है जो भी अभी तक सीखा है। पीवी तलविंदर कौर जी भी हमारे बीच में बैठी हुई हैं, जो इंटरनेशनल सिख काउंसिल की प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे बीच में बैठी हैं। और श्री सुखदेव फाग बारे महाराज जी के नेतृत्व में जो ये यहाँ पर जंतर मंतर पे एक रोष प्रदर्शन है, शांतिपूर्वक रोष प्रदर्शन, जो शांतिपूर्वक जो एक प्रोटेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, जो अपना एक विरोध प्रदर्शन करने का जो एक तरीका है शांतिपूर्वक, मैं सभी आई हुई संतों का जो भी पंजाब से दिल्ली से जहाँ से भी लोग जो आए हुए हैं, मैं सभी का जो है पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो जिन्होंने आके इस धरने को जो है फल दिया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। भाइयों हमें आज काफ़ी साल हो गए हैं जब से आज़ादी मिली है, तभी से हम लोग जो है संघर्ष करते आ रहे हैं। पहले हम गोरों के साथ करते थे, अब हमें कालों के साथ करना पड़ रहा है, फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं है। पहले हमने उनकी गुलामी सही, अब हमें जो है एक दूसरी गुलामी जो हमारे हमें जो है सहनी पड़ रही है। हमें हर रोज़ ऐसे तिरस्कार किया जाता है, ऐसे हमें जताया जाता है कि आप लोग जो है एक माइनॉरिटी जिसको एक जो कम गिनती अगर हम लोग कहें, कम गिनती हमें एहसास दिलाया जाता है कि आप लोग इस देश के वासी नहीं हैं,
आप लोग इस देश के हैं ही नहीं है। और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है टारगेट किया जाता है, कभी मुस्लिम को किया जाता है, कभी सिखों को, कभी दलितों को, कभी कभी स्कूल कार ड्राइव के नाम पे, कभी आरक्षण के नाम पे, अलग अलग तरीके से उनको जो है टॉर्चर किया जाता है। तो अभी जो ये घटना घटी, जो गुरु रविदास जी का जो मंदिर था, जो विशाल, जो इतने सालों कई सैकड़ों साल पुराना जो मंदिर था, जिसको तोड़ा गया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से तोड़ा गया, लेकिन इसके पीछे एक साजिश है, घिनौनी साजिश जो इनके दिमाग में चल रही है। जैसे इन्होंने, अगर मैं एक बात करता हूँ, अगर मुस्लिम कास्ट की बात करता हूँ, 3 तलाक इन्होंने लागू करना था कर दिया, 370 हटाना था हटा दिया, इनको जो करना है वो ये कर रहे हैं। और हम लोग जो है मूक दर्शक बन गए, हम लोग सिर्फ एक धरना प्रदर्शन और एक विरोध प्रदर्शन के अलावा हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जो जितने भी माइनॉरिटीज हैं सब एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आना चाहते हैं। जब भी हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, हमारे अंदर एक ऐसा बीज बो दिया जाता है कि हम लोग फिर अलग अलग हो जाते हैं। और ये जो है अपने एक उसका जो फायदा उठा जाते हैं, एक होने का फायदा ये उठा जाते हैं, और उसी कारण ये हमेशा आगे निकल जाते हैं। और हम लोग जो है धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, सांकेतिक हड़ताल, ये करके और थक के अपने अपने घर चले जाते हैं। तो यहाँ जो अब जो गुरु रविदास जी का जो मंदिर तोड़ा गया है, ये एक आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक संकेत है कि अब भी आप एक हो जाओ। अगर अब भी आप एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हो और अपने घरों में सोए रहोगे, अगर यहाँ पर नहीं आओगे, जंतर मंतर पे नहीं आओगे, जो भी कोई ऐसा अगर कोई उपाला करता है उसमें अगर आके अपने फसली से नहीं कराओगे, तो एक एक करके जैसे हमारे माननीय केजरीवाल जी कहते हैं, छोटा छोटा निवाला बना के आप लोगों को खा जाएंगे। तो ये छोटा छोटा निवाला बना के खाएं, इससे पहले आप जो है संकित हो जाओ। जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो उसमें हमें जाना चाहिए, हमें वहाँ अपनी प्रस्तुति दर्ज करानी चाहिए। हम लोग कई बार घर पे कहते हैं कि वहाँ जाके क्या होगा, जो जो सबके साथ होगा वो हमारे साथ हो जाएगा। नहीं, जब हम लोग इस प्रोटेस्ट को अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पर आके जो हमारे गुरु जी यहाँ बैठे हैं उनका अगर हौसला नहीं बढ़ाएंगे, तो हम अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाएंगे। जैसे अभी महाराज ने बताया कि 5-6 लाख लोग थे रामलला मैदान में, 5-6 लाख लोग, 5-6 लाख लोग बहुत होते हैं किसी भी रेजुलेशन को लाने के लिए, किसी भी परिस्थिति को चेंज करने के लिए। और 5-6 लाख नहीं, मैं तो कहूँगा कि मुस्लिम भी आपके साथ हैं, सिख भाई भी आपके साथ हैं। तो आप 5-6 लाख की गिनती ना देखिए, आप कई करोड़ों की गिनती को देखिए, जो लोग घरों में बैठे हैं जिनकी बेस्ट विशेज हमारे साथ हैं। इस चीज़ को आप आगे बढ़ाइए, इस धरने को आप आगे बढ़ाइए। मैं DS बिंद्रा अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि जितने भी लोगों को मैं जोड़ सकता हूँ इस मूवमेंट के साथ जोड़ेंगे हम लोग, फेसबुक, व्हाट्सअप, और पर्सनली भी हम लोग जाके मिलेंगे, जिन भी NGO को मिलना होगा हम लोग जाके मिलेंगे। इसको जितना बल देना होगा हम लोग अपने तरीके से वो बल देंगे, और हमेशा आपके साथ हैं, तन मन धन से आपके साथ हैं। जो भी हमारी ड्यूटी सुखदेव हमारे जी महाराज लगाएंगे, जो कैसे रख जी हमारी ड्यूटी जहाँ भी लगाएंगे, हम वहाँ पर हमेशा तैयार मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार जय भीम दोबारा बोल दें, फिर उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें।